हमारे साथ गोदरेज ग्रुप के मिस्टर अदी गोदरेज जुड़ चुके हैं। तिमाही नतीजे आ गए हैं और इस पर बात करने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा के पास। आशीष जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए, जहां पे हमने देखा है तिमाही दर तिमाही कंपनी की आय 7% और मुनाफे में एक स्मार्ट ट्रैक्शन 48% तिमाही दर तिमाही की बढ़त देखने को मिल रही है। इन नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन आदि गोदरेज। गोदरेज साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। सबसे पहला सवाल, एक्चुअली इस बार जो नतीजे आए इसमें कुछ स्टेक सेल्स का भी पार्ट शुमार हुआ होगा, ऑब्वियसली कितना क्वांटम था उन स्टेक सेल्स का और उस पार्ट को अलग कर दूं, एक्चुअली तो परफॉर्मेंस तिमाही दर तिमाही कैसे देखने को मिल रहा है? ये दिसंबर क्वार्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज का टॉप लाइन ग्रोथ लगभग 150% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट लगभग 80% बढ़ा है। इसमें प्राइवेट इक्विटी भी आई है। प्राइवेट इक्विटी हमारा हर क्वार्टर में, प्राइवेट इक्विटी हमारा बिजनेस मॉडल में आता है, सेल से भी प्रॉफिट होती है और प्राइवेट इक्विटी से भी प्रॉफिट होती है, तो ये रूटीन है गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। और हम समझते हैं कि अब जनरली रियल्टी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होने की आशा है, मॉर्गेज रेट्स कम होने की आशा है, तो हम समझते हैं कि डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन डिस्पाइट सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ की कमी आई है, हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि हमने काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं ये साल में। बिल्कुल, ट्रैक्शन बहुत बेहतरीन रहा है, लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था अगर मैं सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही बात करूं तो मार्जिन शायद 500 बेसिस पॉइंट कमजोर होते हुए नजर आए। क्या कारण था उसका और क्या एक वन ऑफ था, हम प्रॉब्ली नेक्स्ट क्वार्टर वापस बाउंस बैक करते हुए नजर आ सकते हैं? नहीं, मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर जरूर आया है क्योंकि सेक्टर में जैसे मैंने कहा इस साल प्रेशर आया है, लेकिन आप देखो टोटल नेट प्रॉफिट में 80-85% की बढ़ोतरी आई है, तो मार्जिन्स में थोड़ी कम हुई है लेकिन टोटल प्रॉफिट में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। क्या मिस्टर गोदरेज, ये मार्जिन्स में जो दबाव की हम बात कर रहे हैं इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो आपके लो यील्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं उससे इस बार शायद रेवेन्यूज या ट्रैक्शन कुछ ज़्यादा आता हुआ नजर आया है? थोड़ा सा इस कारण है जो आपने बताया है, वो थोड़ा सा ऐसा कारण है कि सेक्टर में थोड़ी प्रेशर आई है इस टाइम पे, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली बाजार नजर रखता है कि डेट लेवल्स कितने हैं। लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो आप 1150 करोड़ रुपए के आसपास आपकी बुक्स पे कर्ज था, इस टाइम पे क्या स्थिति है और एक्चुअली मीनिंगफुल रिडक्शन हम आगे कुछ तिमाही में आते हुए देखेंगे क्या? यहाँ पे हमारा डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा बड़ा है, लगभग 2:1 हुआ है, लेकिन कई स्टेप्स हम ले रहे हैं ये डेट इक्विटी रेशियो वापस 1:1 या 1.2:1 पे लाने के लिए। पहले तो आपको पता है कि जो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज़्यादा हो उनको 75% पे लाना होगा। इसके लिए सेबी ने एक नया कैसे करना उसमें आईपीपी करके लाया है, तो इसमें हम जरूर और इक्विटी रेज करेंगे आईपीपी में और इससे डेट इक्विटी रेशियो कम होगा। और एक दो बड़े प्रोजेक्ट है उसमें प्राइवेट इक्विटी लाने से भी हमारा डेट कम होगा, तो मैं समझता हूं कि आते महीनों में ये डेट इक्विटी रेशियो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे आ जाएगा। आपने कहा आईपीपी के जरिए आप फंड रेजिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, कोई टाइमलाइन जिस पे आप ये वर्क करते हुए नजर आएंगे? जल्द से जल्द करेंगे, मैं समझता हूं कि 2-3 महीनों में हो जाने का आशा है। गोदरेज साहब, अगर आपके बीती तिमाही के जिसको मैसेज कर रहे हैं इस टाइम पे उसके रेवेन्यू ब्रेकअप देखूं पूरे क्वार्टर का तो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन अहमदाबाद के प्रोजेक्ट से आया है। एक तो मैं आपसे ओवरऑल डिमांड सिनेरियो पे एक चर्चा करना चाहूंगा, कैसा नजर आ रहा है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए और स्पेसिफिकली क्योंकि वहां से कंट्रीब्यूशन ज्यादा है अहमदाबाद से, उस स्पेसिफिक ज्योग्राफी में क्या हाल है? अहमदाबाद हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए अहमदाबाद का सेलियंस हमें ज्यादा रहेगा, लेकिन ये रेवेन्यू सारे देश के प्रोजेक्ट से आए हैं, कई प्रोजेक्ट से आए हैं। हमारे करंटली लगभग 30 प्रोजेक्ट चल रहे हैं 12 शहरों में देश में।
आपकी एक ऑनगोइंग स्ट्रेटजी रही है कि आपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज करते हैं, शायद उसमें कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई प्रोजेक्ट जो लाइन में है वहाँ पे भी कुछ प्लान्स होंगे आपके जरूर, तो कुछ अगर वहाँ पे शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंसेस के साथ। दिसंबर क्वार्टर में भी कई मोनेटाइज किए गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्च क्वार्टर में और भी होंगे और 12-13 में भी इसका ये मोनेटाइजेशन में आगे बढ़ेंगे। हालांकि गोदरेज साहब फाइनली आपको गाइडेंस नहीं देते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए किस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है पूरे वित्त वर्ष के लिए, क्या ये कहना इस समय सही होगा कि FY13 शायद FY12 से बेहतर होता हुआ नजर आएगा? मैं समझता हूँ कि FY13 FY12 से बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अब इन्फ्लेशन काबू में आया है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम है, इसलिए मैं समझता हूँ रिजर्व बैंक रेट रिडक्शन और CRR रिडक्शन पर बहुत ध्यान देगी, इससे मॉर्गेज रेट्स भी नीचे आएंगे। जब ऐसा होता है तब रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि 12-13 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। चलिए ऑन दैट नोट आदि गोदरेज साहब, थैंक्स अ टन फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर CNBC आवाज। ये थे आदि गोदरेज, चेयरमैन गोदरेज प्रॉपर्टीज के। एक बार फिर से इस कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स डिलीवर करें और आपके सामने स्टॉक प्राइस का प्रदर्शन 2% के अपमूव के साथ कारोबार करता हुआ।